दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय स्टे या स्टे ऑर्डर क्या होता है। बहुत बार हम जब कानूनी बातें करते हैं तब ऐसे कोई शब्द रहते कि शब्द हमेशा हमारे कानों में सुनने को आते, उसमें से ये शब्द है स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर। भाई आप स्टे ले लिए, नहीं तो क्या आप बोल नहीं सकते। या तो दूसरा बोलता है मैं स्टे ऑर्डर लेने जाता हूं, अब दिखाता हूं। अब ये क्या है, स्टे क्या होता है, स्टे ऑर्डर क्या होता है, तो इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। पहली बात यह है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत की अदालत ने कानूनी अधिकार दिया है जिसके माध्यम से आप न्यायिक कार्रवाई या कोई भी उसके अगर जैसे कोर्ट की रहती है वैसे अलग अलग जो सरकारी कार्यालय है उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई होती रहती है उसको अस्थायी रूप से रोकने के लिए वास्ते ये जो स्टे या तो स्थगन है वो स्थगन आदेश दिया जाता है। इसका परिभाषा यही है, यानी ये एक अस्थायी रूप से रोकने के लिए किया हुआ ये एक मामला है। अब इससे किसी मामले को निलंबित भी किया जा सकता है। चल रहा है मामला तो थोड़े दिन के लिए रुकावट भी कर सकते हैं। अब मान लो आपका घर है, आपका घर को बीएमसी ने बता दिया कि भाई आपका घर ये कानूनी नहीं है, ये रास्ते पे आपने आप घुस के घर बढ़ाया, ये झोपड़ा गैर कानूनी है, हम तोड़ने वाले। अब तोड़ने वाले बोलने के बाद उसके ऊपर आपने अगर स्थगन आदेश ही नहीं लाया, आप उनसे खाली बातों बातों में ही सुलझाते रहे कि नहीं मेरा घर कितना है, कब से है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, भाई साहब आपका घर तो तोड़ा जाने वाला है। आपको एक ही रिलीफ है, आप उसके ऊपर स्थगन आदेश ही ला सकते हो। स्थगन आदेश लाने के बाद न्यायालय के सामने आप सामने बता सकते कि मैं मेरा घर कितना खरा है, मैं कितना खरा हूं, मेरे कानूनी कागजात या दस्तावेज कितने खरे हैं। तो ये जो ऑर्डर दिया है तोड़ने का ऑर्डर, ये पीछे लिया जाए, वो बाद में आप झगड़ा कर सकते हैं जबकि घर वैसा बचा रहे। घर बचाने के वास्ते अगर कोर्ट में जा रहे और घर ही नहीं तो बचाएंगे क्या, ऑर्डर क्या देंगे। वैसे ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बहुत बार होता है, सिविल में तो हर 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा भाई स्टे दिया जाता है, उसके बाद आपको वापिस एक बार स्टे लेना पड़ता है, यानी कंटिन्यूशन ऑफ दैट स्टे ऑर्डर। क्रिमिनल में एक और बात होती है, आपको पूरा अवसर दिया जाता है। मान लो किसी को फांसी हो गई तो फांसी होने की शिक्षा वो सुनने के बाद ऐसा नहीं कि भाई दूसरे ही दिन उसको फांसी दे दी, खत्म स्टोरी, भाई फांसी की आपको तो कोर्ट ने पता है फांसी तो फांसी, ऐसा नहीं होता है। उसको पूरा अवसर दिया जाता है कि वो अगर वो बोलता है कि मैं बेकसूर हूं तो बेकसूर तू भाई पेश कर, तेरे पास जो कुछ है वो बोल और बेकसूर है करके दिखा, पूरा अवसर दिया जाता है। इतना कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपको फांसी है, फिर भी वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है, राज्यपाल के पास जा सकता है, खुद के राज्य के राज्यपाल के पास जा सकता है, माफी के लिए जा सकता है, यानी पूरे उसको अवसर दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, बहुत सारे देशों में रस्ते के ऊपर खड़े कर दे, बंदूक ले दिया, थर 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 स्टोरी खत्म, बाद में पता चलते भाई ये तो बेकसूर था। अब उसमें जान कहां से आएगी, वो तो मर गया ना। भारत में यह नहीं होता है, उसको पूरी संधि पूरा अवसर दिया जाता है, वो भी एक प्रकार का स्टे है, अवसर दिया जाता है। पर सिविल मैटर में, दीवानी मैटर में एक बात है निश्चित स्वरूप है कि भाई आप पूरी जिंदगी भर आराम से बैठ के स्टे नहीं, स्टे मिल गया मैं आराम कर, तो ऐसा नहीं होता है, 6-6 महीने के लिए होता है। आपको आपका केस पुटअप करना है। आप अगर बोलते मेरा घर
कानूनी है तो कानूनी है करके दिखाने के लिए आपको वो मैटर कोर्ट के सामने लाके वो खड़ा है टिकना चाहिए, और वो टिके वहां तक आपका स्टे आपको खींच के लेके जाना है। आज का विषय स्टे या स्टे ऑर्डर के बारे में था। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने स्थगन आदेश यानी स्टे या स्टे ऑर्डर के बारे में आपके सामने रखा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ ले जाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।